तो गाइस फाइनली 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद पहुंच चुके हैं इंडिया बर्मा बॉर्डर पे। काफी गर्मी हो रही है लेकिन बहुत अलग सा लग रहा है, क्योंकि यार मैं इस टाइम बॉर्डर पे खड़ा हूँ, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ तो बस मेरे 10 कदम उधर जो है म्यांमार है और मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ इस टाइम। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग, और वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और यार मैं इस टाइम इन द मिडल ऑफ नोवेयर खड़ा हूँ, मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। बाकी फ़िलहाल मैं अभी जा रहा था इंडो बर्मा बॉर्डर पे, जो कि मोरे भी जिसको कहते हैं, जो वो गांव है वहाँ का उसका नाम है मोरे, और वो इंडो बर्मा बॉर्डर है और वो इंडिया का लार्जेस्ट स्मगलिंग हब है। मतलब कैन यू इमेजिन, लेकिन अभी वो उसका ज़्यादा पार्ट जो है वो अभी क्लोज्ड है, बिकॉज वो कोविड के बाद से ही थोड़ा ऑपरेशनल में नहीं था, बट फिर भी स्टिल वहाँ से जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और मणिपुर से मैं निकल गया था सुबह, मणिपुर में मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप लोग एक बार मोरे जाओ, मोरे बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और एक बार आप, मतलब आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ बॉर्डर ऑपरेशनल है बट बॉर्डर क्रॉस करने नहीं मिलेगा, लेकिन आप बॉर्डर के इस पार खड़े होके, इंडिया वाली साइड खड़े होके, आप बर्मा या म्यांमार जिसे बोल सकते हो, आप वो देख सकते हो पूरा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड, मैंने कहा यार बॉर्डर पे जाना है, देखते हैं, क्योंकि और यार यहाँ मतलब एकदम ही नेक्स्ट लेवल। पहले तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज बॉर्डर एरिया है सारा, ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करता है बर्मा म्यांमार और फिर सीधा जाता है थाईलैंड। तो पूरा एशियन हाईवे है, और एशियन हाईवे 2 कैसा है, 2 है इसका जो वो है कोड कह लो, तो आप उससे भी एक देख सकते हो। और यार बहुत ही मतलब यहाँ भी, और एक रास्ते में यहाँ पे एक कैफ़े आता है गेबीज कैफ़े, आप लोग अगर आओ ना तो वहाँ ज़रूर रुकना। रास्ते में आप आओगे जहाँ आपकी चेकिंग होगी गाड़ी की और सामान वामान की, उसके जस्ट 1 या 2 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आएगा, उस पेट्रोल पंप को क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड में गेबीज कैफ़े होगा। तो बहुत ही यार आइकॉनिक सा कैफ़े लगा, बहुत ही मतलब प्यारा सा है एकदम, बाहर पार्किंग स्पॉट और उसके बाद फिर टेबल्स है बैठने के लिए, प्राइवेट केबिन्स टाइप बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अभी एक कुछ खा के फिर निकलते हैं वापस, और यहाँ से इसकी बालकनी सी बना रखी है, बालकनी कह लूँ या साइड एरिया कह लूँ, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, पूरी रोड जैसे जिगजैग दिख रही है और गाड़ियाँ आती जाती इतनी सही लग रही है ना, ये पूरा व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप हो रही है, ये देखो धूप हो रही है, ऐसा नहीं है धूप नहीं है, बट टेम्परेचर जो है वो सही है। मतलब ये देखो इसका ये पार्किंग एरिया है, और यहाँ बाइकर्स भी आए हुए हैं जो अपनी बाइक पे निकल गए हैं घूमने के लिए, और थार वार भी खड़ी थी अभी तक तो, लेकिन वो चले गए हैं। और ये एंट्रेंस है इसकी, तो लेके चलता हूँ मैं आपको क्यूट से कैफे में। और ये देखो यार यहाँ का ये व्यू पॉइंट है इस कैफे का, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो शाम के टाइम पे तो और ज्यादा अमेजिंग हो जाता होगा, और बारिशों के टाइम पे तो वैसे ही इसका व्यू इतना प्यारा आता होगा। ये देखो पूरी जिगजैग रोड है और आगे तक ये सारा एशियन हाईवे है। और ये देखो यार मतलब पहाड़ हमसे नीचे हैं, पहाड़ों के भी ऊपर है, और यहाँ से ये देखो ये ओवरव्यू इस कैफे का। वो अंदर भी बैठने की सीटिंग है लेकिन जनरली लोग जो है वो बाहर ही बैठे हुए हैं। और ये देखो लोग जो है स्कूटी पे भी घूमने आए हुए हैं, ये गाड़ी आ रही है, देखो कितना सही लग रहा है यार, मतलब ऐसे जिगजैग रोड पे गाड़ियाँ छोटी छोटी, क्योंकि हम इतनी ऊपर बैठे हुए हैं ना। और वो जो देख सकते हो सामने बेंचेस लगे हुए हैं वो भी इस कैफे का ही पार्ट है। और ये देखो ये जो वुडन इन्होंने टेबल और चेयर लगा रखी है, ये भी सारा इन्हीं का ही एरिया है, तो वहाँ तक बैठ सकते हैं, वहाँ बैठ के आराम से पूरा इन्जॉय कर सकते हैं व्यू को। तो गाइस फाइनली 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद पहुंच चुके हैं इंडिया बर्मा बॉर्डर पे। रोड इतनी प्यारी है, बहुत स्टीप है लेकिन यार खाली पड़ी है, मतलब ये अभी गाड़ियां दिखी है जब मैंने वीडियो शुरू करी, अदरवाइज तो रोड पे एक गाड़ी दिखना मुश्किल था।
ये मोरे जो टाउन है मेन, वहाँ आ चुके हम। ये देखो मणिपुर मोरे, तो मोरे आ चुके हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। थोड़ा सा लोअर बैकवर्ड क्लास ही है, मतलब ऐसे, मतलब ये अपना इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हो आप SBI वगैरह सारे बैंक्स वैंक्स तो थे। पीछे HDFC भी था, आगे पंजाब नेशनल बैंक भी मुझे दिख रहा है, वो देखो। तो वैसे तो सही है, ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा अभी। और फिलहाल तो यहाँ तरबूज दिखे भाई, तो मैंने कहा तरबूज कटवा के खाते हैं, तो वही ले रहा हूँ बस मैं। और यहाँ पे कोई वेट वगैरह का हिसाब नहीं है कि ये वाटरमेलन को कितना वेट का है, उस हिसाब से रेट 100 रुपीज़ पर पीस है। और क्या पता इन्होंने गाड़ी देखी है तो इस वजह से भी बोला, बाकी 60-70 रुपीज़ का मिल जाएगा। और बाकी यहाँ कपड़े वपड़े मिल रहे हैं सामने कुछ, और ऐसा कुछ है, तो ले लिया भाई, पैसे वैसे दे देता हूँ मैं। म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज, ये देखो उस तरफ जो है सारा म्यांमार है। ये देखो वेलकम टू इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड, तो ये है। ये देखो कोविड से पहले खुली रहती थी, लेकिन कोविड के बाद इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं सारे। एक ही है गेट नंबर 1 जो मेन वाला खुला रहता है। और यार देखो आप लोगों को मैं वहाँ तक दिखा देता हूँ, ले जा तो नहीं सकता लेकिन दिखा ज़रूर सकता हूँ। ये देखो, और कोविड से पहले जब रास्ते खुले हुए थे तो आराम से जा सकते थे वहाँ पे, आराम से एक आध दिन रह सकते थे। ये देखो ऐसा कुछ है, और ब्रिज कुछ ऐसा है, अच्छा खासा स्टील का ब्रिज बना रखा है इन्होंने, बहुत मज़बूत। यहाँ से ट्रक वगैरह जाते होंगे जो, और बाकी साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। साइड से कुछ ऐसा है, कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू आर ट्रैवलिंग ऑन इंडियन म्यांमार फ्रेंडशिप रोड। और ये बीच में कोई नदी है, इसका ये पानी साफ ही लग रहा है, और उस तरफ लोग भी नहा रहे हैं नदी में। यार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पानी काफी ठंडा लग रहा है मुझे, मतलब देखने में ऐसे। और ये जैसे जिस मजे से नहा रहे हैं ये लोग। और यहाँ थैंक्स विजिट अगेन। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, 36 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है और हालत है खराब। अब थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, ये है वेलकम टू इंडिया लिखा है देखो। काफ़ी गर्मी हो रही है, लेकिन बहुत अलग सा लग रहा है, क्योंकि यार मैं इस टाइम बॉर्डर पे खड़ा हूँ, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, तो बस मेरे 10 कदम उधर जो है म्यांमार है, और मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ इस टाइम। ताला लगा हुआ है गेट पे, तो इसीलिए वहाँ जा नहीं सकता, कोविड के बाद ताला लग चुका है, लेकिन क्या करें। और ये देखो पीछे नदी में लोग नहा भी रहे हैं, फुल इन्जॉय चल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ और फिर चलते हैं। कोई आदला